1 लाख का फ्रॉड, 2 लाख का फ्रॉड, कस्टमर का बिना फिंगर से पैसे निकलने, ये सभी समस्याओं का समाधान आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यार तुम लोग देखो APS संचालक हो तो यार तुम लोग गलती क्या करते हो। APS में नई नई मार्केट कंपनियाँ आ रही है जो कि नई नई APS प्रोवाइड कर रही हैं और आप लोग कमीशन के चक्कर में भागते हो। भाई कमीशन के चक्कर में बहुत सारे APS नए नए APS पोर्टल ले ले रहे हो। जितने भी APS पोर्टल हैं सभी लोग कम से कम APS संचालक जितने भी लोग हैं, स्पाइस मनी, पेनियर, भाई बहुत सारे APS पोर्टल चलाते हैं, कम से कम 3-4 से तो कम कोई भी नहीं चलाता। लेकिन दोस्तों इसमें जो है कुछ नई नई कंपनियाँ आ रही जिससे वो लोग अपना जो है ट्रांजेक्शन करने के लिए वो APS पोर्टल को ले ले रहे हैं, जिसमें आप लोग को ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। वो उसी के लालच में आप लोग जल्दी जल्दी जो है APS पोर्टल को ले लेते हो, लेकिन वो दोस्तों जो है फ्रॉड कर रही होती है। और कस्टमर जब एक बार आपके उस पोर्टल से पैसा निकाल लेता है तो उसका जो है बायोमेट्रिक का क्लोन बन जाता है। क्लोन बनाने के बाद वो जो है उसका गलत उपयोग करने लगते हैं और वो 2 से 3 दिन 4 दिन बाद आपके जो कस्टमर का आधार नंबर था उसी से वो बैलेंस को विड्रॉल करने लगते हैं उसी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन से। तो यार ऐसे से सभी के साथ जो है फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोग भी नया नया APS पोर्टल चलाते हो तो यार उस पर ट्रस्ट हो, अगर उस पोर्टल पे ट्रस्ट हो तभी चलाओ यार, नहीं तो ऐसे मत चलाओ, नहीं तो कस्टमर के साथ फ्रॉड होगा तो गाली केस वेस सब चीज़ तुम्हारे ऊपर हो जाएगा और तुम भी फंस जाओगे और ज़िंदगी में कभी APS का नाम नहीं लोगे। तो यार आप लोग एक सही सजेशन वाला APS जो है ले, APS पोर्टल चलाएं जिससे तुम लोग को भी कभी समस्या ना हो। मैं कुछ ऐसे APS पोर्टल का नाम लेता हूँ जो मुझे ट्रस्टेबल लगते हैं। पहले नंबर पे स्पाइस मनी, दूसरे नंबर पे जो है पे नियर बाई, तीसरे नंबर पे फिनो पेमेंट बैंक का APS पोर्टल जो है, और डीजी पे ये सब जो CSC का है वो तो एकदम परमानेंटली एकदम परफेक्ट है। तो कुछ ऐसे APS पोर्टल है जो मुझे एकदम ट्रस्टेबल लगते हैं, तो इस पर जो है मैं विश्वास कर सकता हूँ। आप लोग चलाइए, बिल्कुल भी इसके साथ 1 रुपये भी फ्रॉड नहीं होगा। आप लोग कमीशन के चक्कर मत भागना, बस आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो यही छोटी सी थी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके, मिलते हैं मेरे साथ, तब तक धन्यवाद।